दोस्तों, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट में, किन किन डिसिप्लिन में एमए के अंदर एडमिशन्स अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, इसमें जो एडमिशन है इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी ऑनलाइन पे करनी होगी। 4 जून से 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब दोस्तों, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें सिलेक्शन आपका एंट्रेंस या फिर मेरिट के बेसिस पर होता है, और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। दोस्तों, यदि आप मेरिट बेस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज उसमें अच्छी होनी चाहिए और DU से ही आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपकी पास आउट होना कंपलसरी है। यानी जो मेरिट वाला कोर्स है तो वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। बाकी दोस्तों, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पर रास्ते खुले हैं एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। तो ये है हमारे सामने पोस्ट ग्रेजुएट बुलेटिन, यानी जो इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का, वो हमारे सामने खुला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एमए में आप अरबिक कर सकते हैं, बुद्धिज़्म स्टडीज़, इंग्लिश हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर आपका इटालियन हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, फिर यहाँ पर एमए हिंदी हो गया। इसके अलावा दोस्तों, लिंग्विस्टिक हो गया, बंगाली हो गया, और यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडियन लिटरेचर, एमए तमिल, एमए पर्शियन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, पंजाबी, संस्कृत, रशियन स्टडीज़, उर्दू। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो और भी कोर्सेज हैं मैं आपको बताने वाला हूँ एमए के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, एमए के अंदर म्यूज़िक हो गया, फिर हो गया पर कर्नाटक म्यूज़िक। इसके अलावा एमए के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, फिर यहाँ पर आपका एमए ईस्ट एशियन स्टडीज़, जापानीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। तो ये सभी कोर्सेज दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस जो है वो आपको कैसे चेक करना है, प्रोस्पेक्टस में आप चलेंगे। इससे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमको बता दें कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें सिलेक्शन सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सिलेक्शन आपका एंट्रेंस के थ्रू होगा, ठीक है। इस PDF में आप सभी जानकारी आपको मिलेगी। अब दोस्तों, PDF में आप चलेंगे पेज नंबर 61 पे। 61 से जो MA कोर्सेज हैं उनका जो सारी डिटेल हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर कोर्सेज बहुत सारे हैं तो हर किसी कोर्सेज के बारे में हम आपको डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन एक ओवरव्यू हम आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेज के बारे में ज़रूर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं पेज नंबर 61 पे। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो गया है, देखिए। तो एमए हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर सभी कोर्सेज की डिटेल कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस बेस, यानी इस कोर्स में एडमिशन दोनों तरीके से होगा, मेरिट बेस पर भी होगा और एडमिशन आपका एंट्रेंस बेस पर भी होगा। यदि आप एंट्रेंस बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी गिवन है, यानी कौन कौन सी डिग्री यहाँ पर सूटेबल हैं, जैसे कि BA ऑनर्स हो गया हिंदुस्तानी में म्यूज़िक में, ठीक है, या फिर BA प्रोग्राम आपका हो गया, उसके अंदर आपका म्यूज़िक अगर सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर राइट साइड में आपको मार्क्स रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, यानी जो भी डिग्री आपके पास है तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आपको चाहिए एमए पर्टिकुलर डिसिप्लिन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी डिग्री रिक्वायरमेंट चलेंगी उस सभी की डिटेल यहाँ पर गिवन है। अब दोस्तों, दूसरा तरीका है मेरिट कैटेगरी, ठीक है। यदि आप मेरिट कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो उसकी डिटेल यहाँ पर गिवन है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरिट कैटेगरी वाला रास्ता है वो सिर्फ DU के स्टूडेंट के लिए ही खुला हुआ है, ठीक है। यदि आप मेरिट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BA ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूज़िक एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके पास होना चाहिए, या फिर BA प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें आपका म्यूज़िक एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज गिवन है, 50% मार्क्स का होना कंपलसरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 50% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। फिलहाल यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको परसेंटेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 80s में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर एमए जो और भी कोर्सेज हैं परक्यूशन म्यूज़िक, इसमें भी ऊपर तरीका लिखा हुआ है मेरिट और एंट्रेंस बेस के, ठीक है। यहाँ पर डिग्रीज लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपका एमए कर्नाटका म्यूज़िक आ गया। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी आ गई, और यहाँ पर एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है।
अप्लाइड साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या ग्रेजुएशन में कौन कौन सी डिग्री चाहिए और कितने मार्क्स आपके होना उसमें कंपलसरी हैं। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 61 से 100 तक आपको सभी एमए कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अरबिक का खुला हुआ है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका बंगाली का खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों में एंट्रेंस और मेरिट दोनों के बेसिस पर डीयू में एडमिशन लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस बेस्ड ओनली, यानी बुद्धिस्ट स्टडीज़ में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस में अपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसमें सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपका एमए कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, तो इसमें मेरिट और एंट्रेंस दोनों आ गए। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों आप पेज नंबर 100 तक जाकर अपने कोर्सेज की एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है आपकी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यदि आप एडमिशन लेंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा, तो उसके लिए हम चलते हैं डी यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों। इसके बाद एडमिशन का लिंक है वहाँ पर एक, उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम आ गए एडमिशन 2019 वाले लिंक पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमको जाना है पोस्ट ग्रेजुएट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन। दोस्तों उस वाले लिंक पर आपको नहीं जाना है, वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे आना है एडमिशन के कॉलम में, स्टडी एंड ड्यू के कॉलम में, यहाँ से आपको मिलेगा इसका सिलेबस। पीजी एडमिशन पर जाएंगे, पीजी एडमिशन पर जाने के बाद आपको एडमिशन 2019 का एक लिंक मिलेगा, तो उस वाले लिंक पर आपको जो सिलेबस है वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पे लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे कोर्सेज के जो सिलेबस हैं वो मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कुछ कोर्सेज के सिलेबस अभी अवेलेबल नहीं हो, तो वो भी आने वाले टाइम में अपडेट हो जाएगा जैसे जैसे वेबसाइट अपडेट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आपके सिलेबस गिवन है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। या फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, सोशल वर्क, ईस्ट एशियन स्टडीज़ हो गया, या फिर मैथमेटिक्स, हिंदी, तो यहाँ पर सभी कोर्सेज़ के आप सिलेबस चेक कर सकते हैं और उसका पैटर्न भी इसमें गिवन होता है। और दोस्तों अप्लाई करने के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।